मोहम्मद मुस्लिम को आज एसटीएफ ने गिरफ्तार कर लिया। अतीक का दाहिना हाथ माना जाने वाला मोहम्मद मुस्लिम के पास से अतीक के पैसे से लखनऊ में रियल एस्टेट का सबसे बड़ा एम्पायर है। मोहम्मद मुस्लिम द्वारा अतीक का प्रभाव दिखाकर विवादित जमीनों पर कब्जे किए गए हैं। फिलहाल एक वायरल ऑडियो के आधार पर मोहम्मद मुस्लिम से एसटीएफ पूछताछ कर रही है। माफिया अतीक अहमद और उसके भाई अशरफ की हत्या के बाद से उसके अन्य सहयोगियों पर भी पुलिस शिकंजा कस रही है। इसी क्रम में लखनऊ के बड़े बिल्डर मोहम्मद मुस्लिम को भी एसटीएफ ने उठाया है। वायरल ऑडियो और व्हाट्सएप चैट के आधार पर उमर इमरान सहित कई अन्य पर ईडी ने शिकंजा कसने की तैयारी की है। बता दें कि माफिया अतीक अहमद की मौत के बाद ही व्हाट्सएप चैट वायरल हुआ था। ऑडियो अतीक के बेटे असद और बिल्डर मोहम्मद मुस्लिम के बीच फोन पर बातचीत भी की जा रही है। हालांकि मोहम्मद मुस्लिम अतीक का प्रभाव दिखाकर विवादित जमीनों को भी खरीदता था। मोहम्मद मुस्लिम पर ईडी छापा भी मार चुकी है। राजधानी लखनऊ में सीतापुर रोड पर ब्रदर्स के नाम से उनका अपार्टमेंट है। बिल्डर मोहम्मद मुस्लिम अतीक का फाइनेंसर भी है। वहीं एलडीए द्वारा वली ब्रदर्स अपार्टमेंट पर आधी अधूरी कार्रवाई भी हो चुकी है। पुलिस ने मुस्लिम पर गैंगस्टर की कार्रवाई नहीं की है। बताया जा रहा है कि उमेश पाल मर्डर के बाद भी मोहम्मद मुस्लिम ने अतीक को पैसे भेजे थे। मोहम्मद मुस्लिम उमेश पाल से 1 करोड़ की रंगदारी मांगने के मामले में नामजद है। ये मुकदमा पिछले 25 अगस्त को धूमनगंज थाने में दर्ज किया गया था। वादी उमेश ने आरोप लगाया था कि 11 फरवरी 2022 को अतीक का करीबी मुस्लिम अपने साथियों खालिद जफर, दिलीप कुशवाहा और अन्य संग उसकी पीपल गांव स्थित जमीन पर कब्जा करने पहुंचा था। उसने पहुंचकर विरोध जताया तो उसे तमंचा सटाकर 1 करोड़ की रंगदारी मांगी गई। ये भी कहा गया कि ये सांसद अतीक का आदेश है।